स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है जानकारी मैटर्स। तो जैसा कि हमें पता है कि शिक्षकों के पद स्थापन को लेकर के आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट आते रहती है, तो मैं आज फिर एक अपडेट लेकर के आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और जानते हैं डिटेल से। शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग लेगा सिर्फ ऑनलाइन आवेदन। प्रदेश में सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों से स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। स्थानांतरण एवं पदस्थापन की संशोधित नियमावली लागू होने के बाद ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसकी जानकारी सूचना के रूप में शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यालय कक्ष के सामने वाली दीवार के नोटिस बोर्ड पर चिपका दी गई है। उसमें अंकित किया गया है कि अनेक शिक्षक व कर्मचारी स्थानांतरण के लिए आवेदन लेकर शिक्षा विभाग में आते हैं, जबकि शिक्षा विभाग में शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन हेतु नियमावली का संशोधन प्रक्रियाधीन है। संशोधित नियमावली अधिसूचित होने के बाद स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा, जिसकी सूचना भविष्य में दी जाएगी। सूचना में यह भी अंकित है कि इस कार्यालय में भौतिक रूप से स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्र जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। दरअसल शिक्षक इच्छित स्थान पर स्थानांतरण की उम्मीद में शिक्षा विभाग में आवेदन लेकर पहुँच रहे हैं। आवेदन लेकर पहुँचने वाले शिक्षकों द्वारा मानवीय पहलुओं को आधार बनाया जा रहा है। ऐसे शिक्षक अपने आवेदन के साथ शिक्षा मंत्री या प्रमुख सचिव एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के कार्यालय में जा रहे हैं। इसके मद्देनजर ही यह सूचना प्रमुख सचिव के कक्ष के बाहर चस्पा दी की गई है। हालांकि चिपकाई सूचना पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। बता दें कि शिक्षकों के स्थानांतरण व पदस्थापन की नीति तय करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कमेटी गठित है। शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद शिक्षा विभाग उसकी समीक्षा करेगा। इसके बाद अधिसूचित होने के साथ ही संशोधित नियमावली लागू होगी। काउंसलिंग में डिग्रियों पर संदेह हुआ तो शिक्षा विभाग ने कसा शिकंजा। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके नियोजित शिक्षक काउंसलिंग चल रही है। इस बीच प्रमाण पत्रों के सत्यापन के क्रम में कई शिक्षक संदेह के घेरे में आ रहे हैं। 6 जिलों में 32 शिक्षकों की बीएड की डिग्रियां में विसंगति मिली है। ये उन शिक्षण संस्थानों से जारी हुई है जो शिक्षा विभाग की सूची में अमान्य घोषित हैं। ऐसे शिक्षकों को संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संबंधित शिक्षा अधिकारियों ने बताया काउंसलिंग प्रमाण पत्रों के सत्यापन में सावधानी बरती जा रही है। सिवान में 2, औरंगाबाद में 6, पश्चिम चंपारण में 4, किशनगंज में 3, कटिहार में 9, मधुबनी में 4 और मधेपुरा जिले में 4 नियोजित शिक्षकों के बीएड की डिग्रियों का मामला संदिग्ध पाया गया है। इनमें प्रारंभिक शिक्षक से लेकर माध्यमिक शिक्षक तक हैं। यहाँ देख सकते हैं शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के क्लियरली मेंशन है कि ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। देखते हैं आने वाले समय में ही बताया जाएगा ऑफिशियल कुछ लेटर निकलता है, तो तब तक हम लोग इस न्यूज़ पर ही विश्वास कर सकते हैं। न्यूज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।